देखो इस प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है, एक ना स्माइली कोई ऐसी शक्ल बना के देगा आपको, फेस की शक्ल, वो कहेगा देखो ये इस बंदे का जो फेस है वो राउंड है और ये रिंग की तरह है, और रिंग का मास है 6 m, बड़े सर्कल का मास है 6 m, इसकी जो आँखें हैं वो भी सर्कल है, इनका मास है m, इसका जो नोज़ है वो भी, इसका मास भी m, इसकी जो लिप्स हैं वो भी मास m, तो इसमें कितने मासेस हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, मास सब पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये रिंग है, रिंग का सेंटर और मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे, तो ये इसका सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट वो दे रहा है 0.0, तो रिंग का सेंटर और मास कहाँ पर है, ओरिजिन पे 0.0। इसकी आईज का सेंटर और मास इसके सेंटर पे है, इस रिंग का सेंटर और मास के सेंटर पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1.0। इसकी राइट आई का सेंटर और मास इसके सेंटर पे, कोऑर्डिनेट क्या है, 1.0। नोज का सेंटर ऑफ मास नोज के सेंटर पे, कोऑर्डिनेट क्या है, 1.0। और इसके लिप्स का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे 0.-से। तो पांच बॉडीज हैं, पांच बॉडीज के मास उनके सेंटर पे, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन है पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो पांच सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास। तो पांच बॉडीज में पहला मास क्या है, एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1.a। दूसरा मास क्या है, एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1.a। तीसरा मास क्या है, एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1.0। चौथा मास क्या है, एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0.-a। और पांचवा मास है 6 m, इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 0.0। तो आपको क्या पता लग गया, m1 m2 m3 m4 m5, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 सॉल्व करके, पांच बार सॉल्व मतलब पांच तक लेके जाएंगे, सॉल्व करके एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आपने? तो पहले आपने इंडिविजुअल मासेस के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और फिर पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास निकलेगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आज हमने कर लिया, आज के ऑब्जेक्टिव शीट में हमने किया, ये डन, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास को लेके, ये अलग प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रॉब्लम है, और ये ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर सबके अंदर गिवन है, लेकिन ये रेगुलर आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन समझो, ये एक ओरिजिन है, एक किनारा है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर एक बोट है, बोट का मास 40 kg है, बोट के बिल्कुल कॉर्नर पर एक मैन खड़ा हुआ है 10 kg का। मैन का डिस्टेंस इस कोने से इस कोने से कितना है, 20 m है, बोट का मुझे पता नहीं। क्वेश्चन है, मैन अगर आगे आता है बाय 8 m, तो किनारे से कितना डिस्टेंस रह गया, 20 पहले था, 8 वो आगे आ गया, तो बचा कितना, 12। तो क्वेश्चन है, मैन अगर 8 m आगे आता है तो किनारे से उसकी दूरी क्या होगी? तो अगर आप सोच रहे हैं 12, तो गलत, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 है, 8 वो पास आया, कितना रह गया, 12। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है अगर बोट पे मैन आगे जाएगा तो बोट पीछे आ जाएगी, तो बोट मैन को पीछे भी लेके आएगी, तो आपकी दूरी अब 12 m नहीं रहेगी, 12 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो आपको बताना है दूरी क्या होगी। तो इन शॉर्ट आपको ये निकालना है बोट कितना पीछे गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? 20 m, 12 m के से तो ज्यादा ही आंसर आएगा ना। अच्छा, वो मुझे वो चेक करता हूँ। देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन समझ में आया? अभी उसकी दूरी कितनी है, 20 m है, 8 m वो चल पड़ा तो कितनी रहेगी, 12 m, और बोट उसको पीछे ले आई, वो निकाल लेते हैं और 12 m में ऐड कर देते हैं, तो आंसर वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तो बोट का डिस्टेंस निकालना है। अब इस पूरे प्रोसेस में दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी बोट है, दूसरी बॉडी मास है, मैन है। तो रूल ये लगेगा इसमें, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, देखो बोट का सेंटर ऑफ मास बोट के सेंटर पे, मैन का सेंटर ऑफ मास मैन के सेंटर पे, दोनों का सेंटर, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं होगा, जहां भी होगा, अगर ये मैन चलता है और बोट पीछे आती है, सेंटर ऑफ मास जहां पहले था अब भी वहीं रहेगा,
क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास की अगर एक्स की वैल्यू जितनी पहले थी वो शिफ्ट नहीं होगा, वो गर्नर बुलेट सिस्टम वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे, रेस्ट पे ही रहेगा। जब मैन आगे जाएगा बोट पीछे आएगी, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट पहले था वही कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का अब भी होगा अगर मैन मूव भी कर जाता है, इट विल नॉट चेंज। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ट्राई करते हैं। एक बात बताओ, बोट का सेंटर कॉर्नर से कितनी दूरी पे है पता नहीं, तो चलो हम इमेजिन कर लेते हैं कितनी दूरी पे है एक्स। मैन का सेंटर कितनी दूरी पे है 20। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालें, बोट का मास 40 kg, बोट का सेंटर की दूरी कितनी है एक्स, मैन का मास 10 kg, सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है 20, तो m1 x1 m2 x2 m1 plus m2, तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई। अब इमेजिन करो कि बोट आगे चली जाती है, बोट पीछे आ जाती है, मैन आगे आता है तो बोट पीछे आती है, तो बोट कितना पीछे आती है भाई, x डैश। तो अभी बोट का सेंटर कितनी दूरी पे x, अगर मैन आगे गया तो बोट पीछे आएगी बाय डिस्टेंस ऑफ x डैश। तो यानी कि अब नया सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोट का मास इंटू बोट का डिस्टेंस, पहले x था अब कितना हो गया x प्लस x डैश, बढ़ गया। और मैन के साथ क्या हुआ, मैन 20 डिस्टेंस पे था, 8 आगे गया तो x डैश पीछे आ गया, तो मैन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 20 में से 8 गया 12, और बोट की वजह से उसको x डैश पीछे आना पड़ा। तो नया कोऑर्डिनेट क्लियर है मैन का अपॉन टोटल मास। पर हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही नहीं सेंटर ऑफ मास का, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जब दोनों को इक्वेट करेंगे सॉल्व करेंगे सीधा x डैश आ जाएगा, x डैश 1.6 आएगा। तो अब मैन कितनी दूरी पे है, 20 माइनस 8 तो होगा ही होगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1.6, कि बोट कितना पीछे आई 1.6, तो आंसर आएगा 13.6 मीटर। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नहीं है ये, कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम है, पर आइडिया समझ में आ रहा है किस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है यहाँ तक? और एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ऐसी नहीं है कि चेंज हो के आएगी, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऐसी आएगी, ठीक। एक ये क्वेश्चन है जिसमें लंबा तरीका भी है नॉन मेडिकल वालों के लिए और छोटा तरीका भी है मेडिकल नॉन मेडिकल, छोटा यूज करेंगे ऑब्वियसली, पर मैं तरीका बता दूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है, मैंने एक स्टूडेंट को आइए ले 25 सेंटीमीटर का ब्लॉक ले, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख, तो ठीक है उसने एक और ब्लॉक रखा, तो मैंने उस ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का मार दिया भाई 8 सेंटीमीटर, वो नीचे नहीं गिरा। एक और ब्लॉक रख, 8 सेंटीमीटर और धक्का मार दिया। अब ऐसा कर करके आप कितने ब्लॉक्स एडजस्ट कर सकते हो, ताकि क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब 4-5-6 ब्लॉक बाहर निकालते जाओगे अल्टीमेटली वो गिर जाएगा, कि कुछ सिस्टम गिरे ना, रेस्ट कितने मैक्सिमम ब्लॉक्स आप अरेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपने 8-8 सेंटीमीटर बाहर रखते जाने हैं, तो कितने ब्लॉक्स एडजस्ट करोगे, इसका लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर मान लो सिर्फ 2 ब्लॉक्स होते, मेरा क्वेश्चन है बस 2 ब्लॉक्स हैं, ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है 25-25 सेंटीमीटर का, तो मेरा क्वेश्चन है बताओ इसको मैं बाहर करना चाहता हूँ 8-9-10 कितने सेंटीमीटर मैक्सिमम बाहर निकाल सकता हूँ कि नीचे ना गिरे, आधा सेल नहीं होगा 50%, 50 की बात तो नीचे गिर जाएगा, क्यों, इसका सेंटर मास मिड पॉइंट पे होगा ना 12.5 पे 12.5 पे, तो अगर इसका सेंटर मास हवा में आ गया फिर सेल नीचे गिर जाएगा, ऐसे होगा ना, अगर ये 50% से आगे क्रॉस कर गया तो नीचे गिर जाएगा, 50% से कम है नीचे नहीं गिरेगा, क्यों, सेंटर ऑफ मास इस सेल का सेल पे पड़ा हुआ है, पर अगर 12.5 क्रॉस कर गया तो सेंटर ऑफ मास हवा में आ गया जिसको नीचे गिर देगा, सही है लॉजिक, तो आप आधे से ज़्यादा इस रॉड को आगे लेके नहीं जा सकते, राइट। अब किसी ने कहा सर सेल तो 2 नहीं है, सेल तो मेरे पास 3 है, अब बोलो क्या लॉजिक लगेगा, देख मैंने कहा ऐसा है तेरे लिए 3 होंगे, मेरे लिए एक बॉडी है ये, बस मेरे लिए एक बॉडी है ये, इस पूरे सिस्टम का 3 बॉडीज लगा ले चल, इस पूरे सिस्टम का एटलीस्ट इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 12.5 क्रॉस ना करे तो दोनों गिरेंगे। किसी ने कहा एक और बॉडी है इसके ऊपर, तो मैंने कहा देख इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 12.5 क्रॉस ना करे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस बॉडी और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा जो 12.5 से कम होना चाहिए, अगर कम हुआ तो उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैन बी एडजस्टेड,
तो मैं लॉजिक बताता हूँ इसमें क्या लगेगा। 12.5 दो ब्लॉक्स का समझ में आ गया, अगर दो ब्लॉक्स है 12.5 से ऊपर क्रॉस नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला लंबा तरीका, फर्स्ट ब्लॉक को तो जहां मर्जी रख दो, इसने नीचे नहीं गिरना, ये तो पहले जमीन पे है और नीचे क्या गिरेगा। प्रॉब्लम किसकी है? सेकेंड ब्लॉक से। तो फर्स्ट ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं है, डेल्टा एक्स वन उसके लिए जीरो है। डेल्टा एक्स वन का मतलब उसमें कितना शिफ्ट किया आपने सेंटर ऑफ मास, आपने किया ही नहीं। फिर उसके ऊपर वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर दिया बाहर, 8 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एक्स टू कितने है? 8। फिर थर्ड ब्लॉक को यहां से कितना शिफ्ट किया, 8 + 8 कितना, 16। एक और ब्लॉक एडजस्ट करोगे तो कितना आएगा डेल्टा एक्स फोर, 8 + 8 + 8 + 8 = 24। नेक्स्ट कितना, 32, ऐसे ही होगा। तो मुझे ये पता है कि आप जितना भी ये काम करोगे इसका जो एवरेज डिस्टेंस आएगा शुड बी लेस देन कितना, 12.5। जितनी भी शिफ्टिंग है ये टोटल डेल्टा एक्स सारे ब्लॉक्स का मिला के 12.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप डेल्टा एक्स वन पुट करो, डेल्टा एक्स टू पुट करो, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर, एन टर्म्स तक, अपॉन एन लेस देन 12.5। मेडिकल के स्टूडेंट ना देखें, आराम से रेस्ट करें, 2 मिनट को शॉर्टकट बताऊंगा अभी। तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स एपी एन टर्म्स की लगाएं, तो एपी का फॉर्मूला आपको किया हुआ मैथ्स में, सॉल्व करें इनइक्वालिटी, एन लेस देन 4.4 आएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या होंगे इसमें, 4। पर हम ये मेथड नॉर्मली लगाते नहीं है, बुक्स में गिवन होता है। मैं कैसा लगाता हूं या आप कैसा लगाएंगे पेपर में, ऐसा लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल। आप इमेजिन करेंगे कि पहले सिर्फ दो ही ब्लॉक्स रखे आपने, बस। तो आपने इमेजिन किया आपने दो ब्लॉक्स रखे, पहले का सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं है, दूसरा कितना शिफ्ट किया, 8, डिवाइड बाय 2। क्या ये 12.5 से कम है? हाँ 12.5 से कम है, तो कम से कम दो ब्लॉक्स का आंसर तो है। फिर एक और ब्लॉक रख के देख लें, एक और ब्लॉक रखेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डिवाइडेड बाई 3। चेक करें आंसर 12.5 से कम है, 12.5 से कम है, तो 3 ब्लॉक्स कैन बी एडजस्टेड। फिर आप 4 ब्लॉक्स रख के देखें, डिवाइड बाई 4, क्या आंसर 12.5 से कम है? हाँ 12.5 से कम है, तो कितने ब्लॉक्स एडजस्ट हो गए, 4। फिर आप एक और रखें, 0, 8, 16, 24, 32, डिवाइडेड बाई 5, क्या 12.5 से कम है? नहीं कम, तो 5 ब्लॉक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड, 4 एडजस्टेड। ये ज़्यादा आसान है, क्या लगाओगे एपी, बस हिट एंड ट्रायल मारते जाओ। 4 तो ऑप्शन दूंगी पेपर में, 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स, तो 3 से आंसर आना नहीं, 4 से आंसर, 5 में आंसर आना नहीं, 12.5 क्रॉस हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से करो तो छोड़ो, ये बेस्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये लॉजिक क्या लगेगा इस टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक।